पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारत और चाइना के बीच चल रहे आपसी विवाद के बाद भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। सरकार के इस फैसले का जहां युवाओं ने स्वागत किया तो वहीं इस पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जाहिर की है। दरअसल भारत सरकार के मुताबिक चाइनीज ऐप के जरिए डेटा की चोरी की जा रही थी, जिसके बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया। इस पर जब युवाओं से चर्चा हुई तो युवाओं का कहना है कि वो ऐप्स का इस्तेमाल जरूर करते थे लेकिन अब वो इनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वहीं एक खुशी भी जाहिर की है कि सरकार का जो निर्णय है वो वाकई शहीद सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। साथ ही युवाओं ने सरकार से मांग भी की है कि टिकटॉक जैसे ऐप्स का अल्टरनेट भी भारत में बनाया जाए। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों से सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव की स्थिति है। हालात इतने खराब हैं कि एक बार खूनी संघर्ष भी हो चुका है जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। तब से पूरे देश में चीनी सामान के बहिष्कार की मांग उठ रही थी। लोगों ने तो चीन के ऐप मोबाइल और तमाम सामान का इस्तेमाल करना भी बंद करना शुरू कर दिया है। इसी बीच मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप बैन करने का फैसला किया जिसमें टिकटॉक समेत कई लोकप्रिय ऐप शामिल हैं। बहुत सारे चाइनीज ऐप उन्होंने हमारे इंडिया के अंदर प्रॉपरली वे में बैन करा दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे इंडिया को बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट दिसंबर की अपडेट ले लीजिए आप, टिकटॉक सबसे ज़्यादा ऐसा एप्लीकेशन है जो सबसे ज़्यादा डाउनलोड हुआ है। सबसे ज़्यादा इसका अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ये इंडिया में डाउनलोड हुआ है। आजकल आप देख रहे हैं सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे क्या, हम भी इवन सिंपल अपने आप को फेमस करने के लिए, फिर इंस्टाग्राम ट्विटर्स वगैरह इस पर अपलोड करने के लिए हम अपनी वीडियोस बनाते थे। एंड सिंपल सी बात है, हर कोई इंसान फेमस होना चाहता है तो हम वीडियोज़ बनाते थे। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आजकल फोकस अपनी पढ़ाई से डाइवर्ट हो रहे थे, अपने बोर्ड से डाइवर्ट हो रहे थे। वो भी बहुत यूज़ करती थी टिकटॉक, घर वाले मना करते थे कि ये चाइनीज़ ऐप मत यूज़ करा करो, लेकिन मैं पागल थी, मैं करती रहती थी टिकटॉक। मैंने डिलीट कर दिया जब से मुझे पता चला कि हमारे इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे गए थे, तब भी डिलीट कर दिया था मैंने। एक जगह खुशी भी होगी कि हाँ चाइना की इतनी बड़ा लॉस हो गया चाइना का, और मतलब चाइना हमारी वजह से ही इतने उसकी इकोनॉमी इंक्रीज़ होती जा रही थी, लेकिन हमारी वजह से ही अब उसकी डिक्रीज़ हो जाएगी इकोनॉमी। भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। ये बहुत ही ठोस निर्णय था हमारी सरकार का और ये युवा विकास के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होगा। टिकटॉक जैसे ऐपों ने हमारे युवा विकास को बहुत ज़्यादा क्षति पहुँचाई है, और जैसे चाइना गलवान घाटी में हमारे बीच जवान शहीद हुए, उस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा हमारे यूथ के लिए। टिकटॉक ने हमारी यूथ को लगभग बेकार ही कर दिया था। बिलियन के करीब इसके यूज़ हमारे इंडिया से ही थे, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा चाइनीज़ ऐप्स को ही होता था हमारे इंडिया की वजह से, और हमारे भारत सरकार ने बहुत अच्छा कदम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का, बहुत ही सराहनीय कदम उठाया, खासकर युवाओं के लिए। युवा बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था, बच्चे रात दिन इन ऐप को डाउनलोड कर और इसका गलत यूज़ कर रहे थे, इसलिए मैं बहुत बहुत पुनः एक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।